कक्षा 10 गणित के इस पीरियड में सभी छात्र और छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अध्याय 12 है, इसके सवाल देखेंगे 12.1 प्रश्नावली के। देखिए पहले सूत्र बताते हैं, वृत्त की परिधि, परिधि कराती है चारों तरफ की, ये जो बाउंड्री है ये परिधि कराएगी। इसका सूत्र है पाई गुणा व्यास। अगर व्यास को हम त्रिज्या के रूप में लिख लें तो व्यास बराबर होता है 2r। तो अब परिधि का नया सूत्र क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि का 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, व्यास बटा 2, आर बराबर व्यास बटा 2। तो इस तरह इन सूत्रों पर आधारित इस प्रश्नावली में सवाल है वो हम करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेमी और 9 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो क्या होगा, देखिए इसमें दिया हुआ क्या, पहले मान लेंगे हल। माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r, और r1 कितना दिए हुई छोटे वाला 19 सेमी, और r2 कितनी दी हुई है 9 सेमी। अब क्या होगा, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। क्या होगा भाई, इसको लिखेंगे 2 पाई बड़ा आर लिख लेंगे, और इसका 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू। अब देखें दो सब में 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई से भाग दे दें, 2 पाई से भाग देने पर क्या जाएगा, r बराबर जाएगा r1 प्लस r2, r1 का मान 19 और r2 का मान कितना है 9, 28 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपकी ये 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेमी और 6 सेमी है, तो हल देखिए इसमें क्या दिया हुआ, आर वन इज इक्वल टू 8 सेमी और आर टू इज इक्वल टू 6 सेमी। माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को मिलाकर नया त्रिभुज बनाया गया, तो देखिए नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए इसको लिखेंगे पाई बड़ा आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे पाई आर वन स्क्वायर, इसको लिखेंगे पाई आर टू स्क्वायर। अभी पिछले सवाल में हमने देखा था कि 2 पाई कॉमन था, ऐसे यहां पे पाई कॉमन है तो पाई से भाग देने पर, पाई से भाग देने पर क्या जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन का मान है 8 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, आर स्क्वायर बराबर 100, आर बराबर अंडर रूट 100, या आर बराबर हो गया 10 सेमी। तो बड़े वृत्त की जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 10 सेमी। तो इस तरीके से हम आगे के सवाल भी कुछ और करेंगे। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ नए टॉपिक प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।